हेलो एंड वेलकम बैक। नेक्स्ट स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज़ मनरेगा 2005। यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज टेबल्ड अ रिपोर्ट हाईलाइटिंग द इशूज़ एंड प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस फॉर मनरेगा मेकिंग सप्लीमेंट्री लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज थ्रू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क अ लीगल राइट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। ऑल हाउस होल्ड मेम्बर्स एज्ड मोर देन 18 ईयर्स एंड रिसाइडिंग इन रूरल सोशल ऑडिट हैज़ टू बी डन बाय ग्राम सभा टू एनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फिनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेम्बर वॉलंटियर्स टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। कवरेज क्या है इसका? एंटायर कंट्री एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग 100% अर्बन पॉपुलेशंस। फंड शेयरिंग, इसमें 100% फंडिंग फॉर अनस्किल्ड लेबर कॉस्ट बाय सेंटर एंड 75% फॉर मटेरियल कॉस्ट। सो सेंटर क्या करेगी, 100% फंडिंग देगी फॉर अनस्किल्ड लेबर कॉस्ट और 75% कॉस्ट देगा मटेरियल कॉस्ट का, और स्टेट जो है वो 25% मटेरियल कॉस्ट देगा। डिमांड ड्रिवन है और पीपल सेंटर्ड है। गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क इन अ फिनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड इन अ रूरल एरियाज एज पर डिमांड। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन केस एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ग्रांटेड विद इन 15 डेज ऑफ डिमांड। अगर 15 डेज ऑफ डिमांड के अंदर भी अगर उनको मतलब नहीं मिलता है रोज़गार, क्योंकि वो लीगल है, मैंडेटरी ही देना ही पड़ेगा, अगर नहीं मिलता है तो उनको अलाउंस देना पड़ेगा। फिर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल 50 डेज ऑफ अनस्किल्ड वेज पेमेंट इन अ फिनेंशियल ईयर इन ड्रॉट और नेचुरल कैलामिटी नोटिफाइड रूरल एरियाज टू एवरी एसटी हाउसहोल्ड इन अ फॉरेस्ट एरिया प्रोवाइडेड दैट दीज हाउसहोल्ड्स हैव नो अदर प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर द लैंड राइट्स प्रोवाइडेड अंडर FRA एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट 2006। State governments may also make provisions for providing additional days beyond the period guaranteed under the Act from their own funds. Accident compensation provides ex gratia payments for permanent disability or death as a result of the accident or at a work site. Women empowerment, at least 1/3 beneficiary shall be women. Non-negotiable provisions, isme wage to material ratio at is 60:40 at gram panchayat level. To kya bol raha hai, wage to material ratio, jo wage इज टू मटेरियल का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 60:40 एट ग्राम पंचायत लेवल। देन वर्क एग्जीक्यूशन ओनली बाय मैनुअल लेबर विदाउट एंगेजिंग एनी कॉन्ट्रैक्टर्स और मशीनरी एक्सेप्ट एज परमिटेड। इक्वल वेजेस टू ऑल बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। वेज डिटर्मिनेशन, वेजेस आर लिंक्ड टू द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड द वेजेस रेट्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट। Then further wages are calculated according to the schedule of rates fixed by the state governments for different types of work. Wage payments के बारे में, wage payments are exclusively made in the account of the wage seekers, directly ensuring better transparency. Payment of wages should be made within 15 days after completion of work. Job cards to rural household, any rural household seeking unskilled मैनुअल वर्क वुड रजिस्टर इट्स फैमिली इन द ग्राम पंचायत एंड ऑब्टेन अ जॉब कार्ड। जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स क्रिएटेड, जियो टैगिंग थ्रू जियो मनरेगा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विथ रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ISRO एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। एंटाइटलमेंट टू वेज सीकर, इसमें क्या करना है सेफ, अच्छा उससे पहले देख लेते हैं एम्स ऑफ मनरेगा। मनरेगा का क्या एम्स है? सोशल इंक्लूजन होना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इफेक्टिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट और क्वालिटी एसेट्स। देन वी हैव एंटाइटलमेंट टू वेज सीकर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, रेस्टिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स एंड मेडिसिन, child care for working women having children below 5 years, minimum collectively 5 children should be there to avail the facility of child care. तो ये स्कीम था मनरेगा। See you in the next scheme. Till then, bye and take care.